गुड मॉर्निंग आदाब नमस्ते सत श्री अकाल केम सो किस का वेलकम। तो आज व्लॉग की शुरुआत करें सुबह सुबह बिन वैसे ही बिना मुंह धोए आज तो स्पेशली, क्योंकि मैं रात को व्लॉग में बता रहा था ना तुम्हें कि यार साइकिल में कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको चेक करने बाहर आया हूँ थोड़ी देर। वैसे मैं टूथब्रश करने रख रखी है मैंने वहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि इसको पहले चेक करते हैं। तो थोड़ी सी चलाई बस घर से यहाँ तक आया हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। एक थोड़ा सा और राउंड मारते हैं उसके बाद में चेक करके टूथब्रश करेंगे। साइकिल की मैं सुबह बता रहा था दिक्कत यार, आई थिंक मेरे को लग रहा है ये गिर जाएंगे भैया। ये देखो ये आई थिंक ये दिक्कत अंदर बाहर हो रहा है, देखो इसको चेक कराना पड़ेगा या फिर नया डलाना पड़ेगा। बाकी तो सब ठीक ठाक चल रही है। एंड यार एक बंदा है जो कि दो चार दिन से रेगुलरली कमेंट कर रहा है भाई, थैंक यू। एंड प्रिंस खिचड़े राणा सर, ठीक है थैंक यू भाई, आज नाम ले दिया। एंड मेरा व्लॉग चैनल देखने के लिए और मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक यू भाई। तीन चार दिन से रेगुलर कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू भाई दिल से। कमेंट करके रखा है कि प्रेम का दोस्त हूँ, ऐसा कुछ है यार मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। तो यार भाई मैं प्रेम को तो नहीं जानता, लेकिन राणा सर मेरे से कोई खास दूर नहीं है। पता नहीं कौन से राणा सर वाले की बात है यार, राणा सर भी एक दो तो मेरे देखे हैं शायद, समथिंग तीन है शायद, मंडावा के पास भी है, तो ऐसे करके राणा सर भी तीन है। सो भाई थैंक यू प्रिंस खिचड़ राणा सर, ठीक है भाई। सो बस रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी इसकी, अब ये रिटर्न जाएगी। एक थंबनेल ले लेते हैं जो कि आज वाले ब्लॉग में डालना पड़ेगा, थंबनेल यही का मेन तो ब्लॉग इसी का ना, अब जैसी भी खराब है बुरी आई है, लेकिन थंबनेल तो इसका डालना पड़ेगा। तो कपड़े निकाल देते हैं, टी शर्ट है जो कि कल वाली मस्त सी पहन रही है, नीचे से उसका थंबनेल लेते हैं मस्त। मैं आदेश को बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं साइकिल लेके आ गया, यहीं पे खड़ा हूँ और वीडियो एडिट करूँगा ऐसे खड़ा खड़ा, क्योंकि अंदर बैठ जाऊँगा फिर मैं वैसे और काम लग जाऊँगा। यहीं पे पाँच आधे घंटे में एडिट कर दूंगा बाहर खड़ा खड़ा। और आदेश को बोल रहा हूँ देखो ये लिए घूम रहा आदेश, ठीक है तार बोल रहा हूँ क्यों लिए घूम रहा है, अपने पास पतंग नहीं है तो हम लेके आएंगे, तागा पड़ा है नहीं रहेगा तो और लेके आ जाएंगे। ये बोल पतंग भी है, पतंग है ना देश, तागा डोर है हाँ। फिर भी क्यों लूट रहा है, तेरे को लूटनी है ना हाँ, तो इसको ये बोल रहा है मेरे को लूटनी है पतंग है सब कुछ, लेकिन फिर भी लूटनी है हाँ, पतंग लूट ले तो गिर मत जाइए ठीक है। तो ये तागा तुगा सब है लेकिन फिर भी लूटता घूम रहा बार बार में। ये दो सिर में जो डेंडर फोरा वो दिख रहा है खोरा। सो गाइस 5:30 नहीं 6 बज गई, माँ तुम्हें बताया गुस्सा कर लिया व्लॉग के लिए कि दुकान पे जा रहा है क्या व्लॉग बना रहा है, मटर बस्ती खुली सड़क थोड़ा बहुत तो वो लड़के दिख रहेगा व्लॉग कर रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं। थोड़ा सा सामान है सब्जी वगैरह है वो रख के चली गई थी माँ, थेपड़ियाँ लाने चली गई थी आगे क्योंकि अब मैं लेके आ रहा हूँ। बस एक सामान और भूल गया, माँ ने मेरे को बताया था इतनी देर में मैं भूल गया था क्या लेके आना था, सो अब दोबारा से आना पड़ेगा। और ये देखो सामने से क्या आ रहा है पता, वो है ना टेम्पू, इलेक्ट्रिक टेम्पू देखो ये देखो, और दोबारा से मेरे को जाना बच गई पड़ेंगे बच गई भैया। अभी ठुक जाते भाई व्लॉग के चक्कर में वो लोग बना रहा था, और या तो वरना भी लगती या फिर टायर अपना नुकसान होता, साइड टायर इधर लग जाता मेरे को पीछे से देख रहे हैं व्लॉग करते हैं तब मेरे को पता कैसे देखते हैं लोग। मैं थोड़ा सा फ़ोन रख के बताऊँ, एक बार साइकिल को तो यहीं पर खड़ी कर देते हैं, मैं फ़ोन रख के बताता हूँ देखो तुम्हें दिख रहा तो देख थोड़ा सा ठीक है, सामान तो रख देते हैं, बड़े लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे देख लो और जो थोड़ी कम एज के होते हैं ऐसे देखने लग जाते हैं। तो मतलब सामने वाले बंदे वो अलग ही, अभी मैं थोड़ी देर पहले व्लॉग कर रहा था वो बोल रहा था ना किसी भी लोग बना हुए बोल रहा इस्माइल जो किसी भी लोग बना, मतलब मेरे को देख के हंसते रहते हैं पर कोई बात नहीं। सो लहसुन भूल के आ गई आज का, तो सो वही काम दोबारा से पहले यार, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है यार, ये सही करते हैं एकदम से पता नहीं यार इतनी कितनी सर्दी लग रही है, आज नहाया भी नहीं बता रहा हूँ ना। और वो क्या बता रहा हूँ मैं हाँ, कैब की रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी दिन में जो कि वो आज तो पिकअप हुई नहीं है, कल पिकअप होगी, और उसका रिफंड मतलब मेरे को मिली थी ना, मैं पैसे तो रिवील नहीं करूँगा कितने रुपए लगे, लेकिन उससे 100 रुपये ज़्यादा रिफंड दिखा रहा है। आई थिंक मेरे को फ़ायदा होने वाला मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं मतलब मेरे को मान लो समझ लो 150 में पड़ी तो रिटर्न में अब रिफंड मिलने ऐसा मैसेज आया मेरे पास, अमेजोन से मेल आया कि रिफंड 100 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब कितने रुपये आपको वापस मिलेंगे, जो कि मेरे कम लगे हैं पता नहीं ज़्यादा मिल सकते हैं क्या पता, मिल जाएंगे तो मज़ा हो जाएगा, 5 रुपये की पार्टी कर लेंगे। वो क्या बोलते हैं
नाम ही नहीं पता मेरे को, दिन में खाया तो था मैं, क्या नाम था उसका यार, ये गिर ना जाए एकदम से, एकदम से रोड के पास चले वो। गाड़ियाँ वगैरह ट्रैक्टर वगैरह एकदम पास से जा रहे हैं, गिर ना जाए, इसका स्टैंड भी छोटा ही है। अरे विशु क्या हाल है, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे का है, केम छो, में बंदे ने बोला रिटर्न केम छो, मैं बोला कैसे हो, तो ठीक है बोल रहा है, अस्सलाम वालेकुम में सलाम वालेकुम बोल रहा है, अस्सलाम वालेकुम का मतलब पता क्या होता है, बताओ सर, नहीं सच बता रहा हूँ, सीरियसली बात बता रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम पता क्या मतलब होता है, मेरे को भी अभी पता चला, मेरे को ऐसा लग रहा था बस अस्सलाम वालेकुम या भगवान का नाम होगा, पता है उसमें क्या नाम है पता, अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि शायद, आई थिंक किसी को पता है तो कमेंट कर देना कि कैसे हो, तो सब खैरियत, तो अस्सलाम वालेकुम कि हाँ सही है एकदम, मतलब अस्सलाम वालेकुम कैसे हो और सलाम सही है एकदम, हाँ 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 सही है सही है, अस्सलाम वालेकुम मतलब होता है कैसे हो और सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम का मतलब है सब ठीक है खैरियत है। और भाई सिनेमेटिक मस्त आएगा, गए गए सारे गए, सारे गए ये तो, इसका स्लो मोशन है ना मस्त आता है, इतने सारे कोए उड़ रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, ये देखो मेरे को कितना जल्दी निकालने के लिए उतावला हो रहा है, ठीक है हाँ, देखो मेरे पैसे देखो मैं कैसे डाल के लेके आया हूँ, धीरे धीरे निकालूंगा एकदम से, धीरे 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 पकड़ाऊंगा इसको, बताओ कितने रुपए का नोट है विशु, ले ले ये यार दो पैसा दे रू, ले कौन रो, पैसा दे रू, ले कौन रो, लो भाई बस तो ला दिए, तीसरी बार और जा हम की, अच्छा हम की मतलब हम की वीडियो, हम की हमारी मतलब हम की, अबे यार पता नहीं कहाँ से भाग के कैसे आया वो सामने से, तीसरी बार दुकान पे जाके हम खाएंगे, मैं सोच रहा हूँ दो चार पतंग, आजा आजा दो चार पतंग ले आता हूँ, ले यार लो। सो मैं भी ये सोच रहा हूँ 6:32 पर 20 सेकंड पर ये सोच रहा हूँ कि पतंग अब लेके आ जानी चाहिए, लेके आनी चाहिए अभी, और यहाँ पे बैठा बैठा कणियाँ डाल लूँगा, यार हिंदी में क्या बोलते हैं, हम तो कणे कणे करते हैं भाई इनको, कणियाँ डाल लूँगा, कणियाँ क्या बोलते हैं यार, गणियाँ कणियाँ, तो कोई बोलता है तो बताओ यार, मेरे को पता नहीं है कुछ वर्ड्स है, मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूँ बट मेरे को वो वर्ड्स एक्चुअली में नहीं पता कि उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सो कोई नहीं दिक्कत है भाई, ये तो मतलब मारवाड़ी में लोग स्टार्ट करने वाला था, लेकिन ये समझ समझ की बात है, ज़्यादातर लोग हिंदी वाले देखें तो उनको थोड़ी हमारी भाषा कम समझ में आएगी, एक हफ्ते में कौन बनाया मारवाड़ी में, बाकी कोई दिक्कत होनी मारवाड़ी में अपने बोलने में कि ना यार यूट्यूब पर मारवाड़ी कौन बोला, ना ना आप अब्बा कोई दिक्कत होनी अपनी मारवाड़ी भाषा की, कोई चक्कर को नहीं भी को, लेकिन ए थोड़ा सारा देखना जो हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि देश की भाषा हिंदी है तो ताकि सारा का समझ आ जाए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं अपने, तो यार कणिया में हिंदी में क्या बोलता होगा, तो मैं सोचू पूरा बैठा बैठा गाल लेंगे, और सुबह सोच रहा हूँ कि सुबह पतंग 10-15-20 पतंग लेके आएंगे ज़्यादा ज़्यादा, बस 20 पतंग नहीं 20 नहीं 15 तो तिगे और 10 मेमड़ी 25 लेके आ जाएंगे मेमड़ी, और वो अभी तैयार कर लेते हैं थोड़ा सा व्लॉग में भी देख लोगे आप, और सुबह तैयार करके एक दो डालेंगे और उसके बाद वो लोग अपलोड कर देंगे, मैं सोच रहा हूँ, बाकी अम्मी जान को बोलना पड़ेगा पैसे दो अम्मी, अम्मी अभी तो मना ही कर दिया कि पैसे नहीं मिल रहे वाले, बाल देखो तुम्हारे भाई के अच्छे होने लग गए फिर से, अब मैं कराने वाला हूँ अच्छी खासी हेयर स्टाइल, पर मेरे को पता नहीं इस बार मैं कैसे कराऊंगा, लास्ट में तो ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन करवाता हूँ तब तो कोई मस्ती कराता हूँ, फिर पतंग वतंग तो मैं लेके नहीं आया यार, पहले मैं टीवी की आवाज़ क्यों करता हूँ, बस पतंग वतंग लेके नहीं आया, अब तो क्या करें खाना खा रहे हैं, सो गाइस अब तो मजा दिया जा रहा है, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म आ रही है मस्त सी, उसका आनंद उठाएंगे आज संक्रांत से पहले वाले दिन, और अब मिलते हैं सुबह, ठीक है तो अब के लिए गुड नाइट, सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, इस व्लॉग में दोबारा से आपका स्वागत कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग सबको और हैप्पी मकर संक्रांति सारों को, अब एक और क्या होता है आज तिलकुट्टा का कुछ ऐसा होता है वो मेरे को पता नहीं, सो हैप्पी मकर संक्रांति, एंड ये क्लिप जो है आप देख रहे हो आप ही दोबारा से, ये क्लिप मैं मुंह धो के दोबारा तब बनाने वाला था, मैं उठा तब तो इतना अच्छा खासा नहीं था, लेकिन अब गाने वाने चलाए हैं थोड़े बहुत चढ़े हैं छात पे, जो मैं थोड़ा सा माहौल दिखा देता हूँ, देखो अभी वैसा पहले इतना खास नहीं है लेकिन ठीक है देखने लायक है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या कर रहे हैं लोग, कैसे फिगर फिगर रख रखे हैं छत पे, और बाकी आज का व्लॉग नेक्स्ट नहा धोने के बाद में पता चलेगा, मैं भी अभी नया नहीं उठा हूँ, जस्ट मुंह भी नहीं धोया, जो कि इस साइड तो कोई माहौल नहीं है, 8 बजे का टाइम है आज, 8 बजे के टाइम में से देखो इस साइड पतंग उड़ रही है भाई, इस साइड बोलना पड़ेगा, ये दिखेंगे कम लेकिन उड़ रही है, तो
ये देखो, और इस साइड देखो हमारे राजा भैया छत पे चढ़ गए हैं, जो कि सुबह सुबह पतंग उड़ाने लग गए हैं। और ये देखो यहाँ पे तो अच्छा खासा माहौल हो चुका है, बाकी थोड़ी कमी दिखाई देगी, गाने तो सुन रहे हो एंड थोड़ी देर में और भी अच्छा माहौल होने वाला है, बाकी का नज़ारा देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में आपको। अभी मैं भी मुंह वगैरह धो लेता हूँ एंड नहा लेता हूँ, और अभी तो ठीक है, लोग छत पे चढ़ गए हैं और थोड़ी देर बाद में दोबारा से दिखाते हैं, ठीक है।